नमस्कार। आज शुक्रवार है और अपने वादे के मुताबिक साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं आज एक कविता संकलन के साथ उपस्थित हूँ। कविता संकलन का नाम है जब मैं कोई नहीं हूँ। रेणु मिश्रा इसकी लेखिका हैं। रेणु मिश्रा सोनभद्र में पैदा हुई, वाराणसी में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में उन्होंने पीएचडी की। देश के तमाम अखबारों में लिखती रहती हैं, साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं और मूलतः कवयित्री हैं, दिल से, दिमाग से, विचारों से, भावनाओं से। उनकी यह कविता आज की नारी, आज की नारी जिसमें युवा लड़कियां, युवतियां, उनकी माँ, उनकी भाभी और वे खुद, हर तरह की स्त्री का रूप शामिल है। इसके अलावा उसकी भावनाएं समाज को लेकर, प्रकृति को लेकर, पुत्र को लेकर, भाई को लेकर, प्रेमी को लेकर, एक पुरुष को लेकर, सहयोगी स्त्री को लेकर क्या है, ऐसी भी कविताएं हैं। संवेदना से भरपूर ओतप्रोत हैं। उन्होंने इसकी भूमिका में जो पहली कविता उन्होंने लिखी है वह यह कहना चाहती हैं कि हमारा समाज जिन चीज़ों से बन रहा है, जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उनमें स्त्री की भूमिका को कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। प्रियदर्शन ने इसकी भूमिका लिखी है और उन्होंने तमाम कुछ कविताओं के अंश इसमें उद्धृत किए हैं। उनका कहना है कि यह कविता संकलन एक नई दृष्टि देता है स्त्री को देखने के लिए, लेकिन मैं उनकी भूमिका और उस व्याख्या में ना जाके सीधे कविताओं के साथ आपके पास उपस्थित हो रहा हूँ। आप खुद विचार करें कि इनमें किस तरह की कविताएं हैं और इस कवयित्री में कितनी संभावना है और आजकल की युवा लड़कियां क्या लिख रही हैं। पहली कविता है पहली तारीख। उस पल शायद कोई नारंगी सपना ढला था मोरजीम के उस नीले आसमान में, जो छोड़ रहा था अपना अस्क लहराते समंदर के सीने पर। आसमान में घुल रहे रंगों को मैं अपलक निहार रही थी कि न जाने कब रेत ने चुरा ली मेरी चप्पलें, पायजेब ने खुद के लिए चुन ली आजादी और घुंघरियों ने खामोशी। समंदर ने उनके कानों में चुपके से कुछ कहा था, फिर आंखों से छूटती हंसी को होठों पर अटकाए न जाने क्यों मैं नंगे पांव ही चल पड़ी जब्त होने को समंदर की बाहों में। समंदर अपनी बदमाशियों में कामयाब हो चुका था। यह गोवा में साल की पहली तारीख की बात थी। एक कविता है एक उदास क्यों। मैं छोटा छोटा अंश सुनाऊंगा, पूरी कविता लंबी है। वह लोग क्यों हवा हो जाते हैं जो कभी खुशबुओं की तरह बिखरे मिलते थे अपने आसपास, क्यों फना हो जाते हैं जो कभी दिए से जलते रहे और ताउम्र और रोशन करते रहे सुने अंधेरे दिल का जहान, क्यों छूट जाते हैं एक पल में जो सांस की तरह चलते रहे और जिंदा होने की तफ्तीश पर लगाते थे हामी की मोहर। एक कविता है प्यार में पड़ी लड़की। इसका कुछ हिस्सा मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कभी किसी ने नोटिस किया है, अगर नहीं नोटिस किया है तो कभी नोटिस करना। प्यार में पड़ी लड़की नजरें उठा के देखती है तारे, मगर कनखियों से निहारती है चांद। जिससे प्यार करते हैं उसे नजर उठा के देख भी कहां पाते। सांसों की गर्माहट से उबलने लगता है दिल के फ्लास्क में लव यू फॉर एवर वाला केमिकल, जिसके साइड इफेक्ट से उसे हो जाता है प्यार। आखिर इन केमिकल लोचों से कोई बच पाया है क्या। लहजे की नरमी और डूबते उतरते धड़कनों की चहलकदमी बयां कर जाते हैं दिल के मासूम से जज्बात। प्यार के मोती ढुलक ही आते हैं गालों पर, आंखों का समंदर कहां छुपा पाता है प्यार। इसके अलावा एक कविता का कुछ अंश, स्त्रियां मन से लड़की। हमने माओं को देखा अपनी पुरानी सखियों से धीमे फुसफुसाहट भरे अंदाज में अपने पहले प्रेम के बारे में लजाती आंखों से बात करते, मुस्कुराहट चेहरे पर झिलमिला जाती
और माएं हम जैसी दिखती। भाभियां अचानक धूप से कपड़े सुखाना छोड़ अंबिया में लगे डार देखती, खड़े खड़े आमों के बगीचे दौड़ आती, फुदकती कूदती, कितने ही टिकोरे तोड़ लाती, नमक मिर्च डाल कूटती और घंटों चुभलाती। वह हंसती हैं और चटपटे बचपन से जीवन का स्वाद चखाती। प्रेम के रंग से सराबोर बहने ढूंढती हैं अक्सर एहसासों के रेशे, खुद से काढ़े उन रंगीन रुमालों से जो काढ़े गए थे किसी और के लिए, मगर इस्तेमाल कोई और कर रहा है। एक धोखा या एक कायरता, धूमिल कर जाती है उनकी हंसी और हमारी ही। प्रेम के इस दौर से संभवतः हर लड़की कभी न कभी गुजरी हो। बचपन का प्यार कहते हैं कि बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनका प्यार पूरा होता है। प्यार तो अधूरा रहता है, लेकिन वह जिंदगी भर साथ बना रहता है। इस संकलन की एक आखिरी कविता की कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ता हूँ। जब मैं कोई नहीं हूँ, जब मैं कोई नहीं हूँ, तब भी चुनचुनाती धूप में खिले हुए बैगन बोलिया का चटक गुलाबी रंग हूँ। जब मैं कोई नहीं हूँ, तब भी तिनका तिनका सहेज कर मोह के धागे से पिरोया हुआ बयां का अनुपम घोंसला हूँ। जब मैं कोई नहीं हूँ, तब भी किसी दुधमुहे बच्चे के होठों पर फिसली तिरछी मासूम मुस्कान हूँ। जब मैं कोई नहीं हूँ, तब भी तुम्हारी आत्मा की भित्ति में चुन दी गई यादों के लाल टेसू हूँ। जब मैं कोई नहीं हूँ, तब भी आयत में लिपटी हुई तुम्हारे हिस्से की दुआ हूँ। जब मैं कोई नहीं हूँ, तब भी खुद से भागकर तुम तक पहुँची हुई एक बागी कविता हूँ। रेणु मिश्रा का यह संकलन बोधि प्रकाशन ने छापा है। बोधि जन संस्करण की ओर से आया हुआ यह संकलन 150 रुपये का है और इसकी पृष्ठ संख्या है 124। अगर आपको अच्छी कविताओं में रुचि है और हिंदी साहित्य में क्या कुछ लिखा जा रहा है, उम्दा कविताएं कैसे लिखी जा रही हैं, तो इस संकलन को आप खरीद सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप पाठक हैं तो आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत है। आपके विचार हमें आगे बढ़ने और इस कार्यक्रम को और भी बेहतर बनाने की ताकत देते हैं। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। सोमवार को मैं फिर ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।